हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशु अनबॉक्सर। तो आज जो हम शू के बारे में बात करने वाले हैं वो 2019 के एक शू का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि हमें देखने को मिलता है कैंपस कंपनी में, एंड इस मॉडल का नेम है कैंपस नॉर्थ प्लस। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के बिल्ड, डिजाइन एंड फीचर्स हमें इन शू में देखने को मिलते हैं। पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ताकि आप मेरी सारी वीडियोस को लेकर अपडेटेड रहे, एंड साथ ही देख लेते हैं क्या ये शू वर्थ रहेगा एक अपग्रेडेड वर्जन कहलाने के लिए। एंड चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अनबॉक्सिंग की ओर। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के बॉक्स की। तो यहाँ पे सब जगह पर ब्लैक एंड रेड कलर का यूज़ कर रखा है। एंड अगर मैं बात करता हूँ बॉक्स की कंडीशन की तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे बॉक्स रिसीव हुआ है। बात करता हूँ फ्रंट की तो फ्रंट में मुझे कैंपस का लोगो देखने को मिलता है, नीचे की ओर कंपनी की टैगलाइन भी लिखी गई है, एंड ऊपर की ओर मुझे कंपनी की वेबसाइट देखने को मिलती है। बॉक्स को अगर मैं टर्न करता हूँ तो मुझे इस साइड बॉक्स पर कुछ भी लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता है। बॉक्स को लेफ्ट की ओर टर्न करता हूँ तो राइट में मुझे कैंपस का लोगो देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एयर कैप्सूल लिखा गया, नीचे की ओर यहाँ पे मुझे साइज देखने को मिलता है, एंड राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं प्राइसिंग दी गई है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। एंड चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो गाइस बॉक्स के अंदर मुझे सबसे पहले बिल देखने को मिलता है जिसको मैं साइड में रखता हूँ, ऊपर के पेपर्स भी यहाँ पे हटा देता हूँ। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कैंपस नॉर्थ प्लस, एंड इनका एक क्विक लुक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो साइड में आप लोग देख सकते हैं मुझे एक टैग देखने को मिलता है जिसके ऊपर कुछ की फीचर्स लिखे गए हैं शूज से रिलेटेड, एंड राइट वाले शूज को मैं साइड में रखता हूँ, लेफ्ट वाले शूज का भी क्विक लुक दे देता हूँ। एंड अंदर की ओर मुझे कैरी बैग प्रोवाइड कर रखा जो कि ब्लैक कलर का, मैं एक बार आप लोगों को इसे निकाल के दिखा देता हूँ। तो फ्रंट में मुझे यहाँ पे कैंपस का लोगो देखने को मिलता है, एंड नीचे की ओर यहाँ पे टैगलाइन भी दी गई है। नाउ लेट्स सी इस जूते में क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के डिज़ाइन के। इन सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं शू के कलर का। तो यहाँ पे सब जगह पर येलो कलर का यूज़ कर रखा है शू के आउटर में, बचे पोर्शन में मुझे ब्लैक कलर देखने को मिलता है। बात करता हूँ स्पेसिफिक शू के आउटर डिज़ाइन की, तो यहाँ पे लोगों के नीचे मुझे एक सिंपल येलो कलर का पैच देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं कंपेयर करता हूँ शू के फ्रंट से तो फ्रंट में यहाँ पे डिफरेंट स्टिच पैटर्न को यूज़ कर रखा है जिसमें लाइनिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है, डायमंड पैटर्न का भी यहाँ पे यूज़ कर रखा है। एंड अगर मैं शूज़ को टर्न करूँ तो मुझे यहाँ पे सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। ऊपर की ओर यहाँ पे सिंपल होल्स प्रोवाइड कर रखे हैं जिसके थ्रू लेसेस पास हो रहे हैं। एंड अगर मैं बात करता हूँ शू के बैक की तो बैक में यहाँ पे येलो कलर का एक स्ट्रैप यूज़ कर रखा है जिसके ऊपर मुझे कैंपस का लोगो देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करता हूँ शू के बैक सोल की तो बैक सोल के फ्रंट में यहाँ पे लाइनिंग पैटर्न का यूज़ कर रखा है सब जगह पर, एंड साइड में आप लोग देख सकते हैं मुझे ब्लॉक पैटर्न भी देखने को मिलता है। फ्रंट एंड बैक में मुझे फिर से लाइनिंग पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। बात करता हूँ साइड सोल की तो साइड सोल यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगा, पीछे की ओर यहाँ पे एयर कैप्सूल लिखा गया। एंड अगर मैं यहाँ पे शूज़ को टर्न कर रहा हूँ तो मुझे सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलती है शू के साइड सोल में। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के लेस की तो यहाँ पे मुझे प्लेन लेसेस देखने को मिलता है, एंड ऊपर की ओर यहाँ पे फिर से कैंपस का लोगो यूज कर रखा है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के बेल्ट की। तो मुझे यहाँ पे सिंगल लेयर देखने को मिलती है शू के आउटर में जो कि फैब्रिक एंड मैश की बनाई गई है। यहाँ पे हार्ड मटेरियल का यूज कर रखा है जिसके कारण ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। शूज के ऊपर मुझे स्मॉल होल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू एयर इजिली पास हो जाएगी, एंड स्वेटिंग से रिलेटेड इशूज यहाँ पे नहीं आएंगे। फ्रंट में मुझे कैंपस का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि प्लास्टिक का बनाया गया, एंड वही अगर मैं शूज को टर्न कर रहा हूँ तो मुझे सिमिलर बिल्ड देखने को मिलती है। बात करता हूँ बैक की तो बैक में यहाँ पे फैब्रिक का यूज कर रखा है स्ट्रैप में, एंड उसी के नीचे मुझे कैंपस का लोगो देखने को मिल जाता है जिसको यहाँ पे स्टिच कर रखा है, नीचे की ओर फिर से यहाँ पे प्लास्टिक का यूज कर रखा है। बात करता हूँ बैक सोल की तो यहाँ पे बैक सोल में सब जगह पर ईवा क्वालिटी का यूज कर रखा है, मैं एक बार आप लोगों को इसे टैप करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर मैं पीछे की ओर प्रेस कर रहा हूँ शूज में तो शूज काफी ज्यादा हार्ड हो रहे हैं सोल एरिया में, बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ सेंटर से तो सेंटर मुझे कंपेरेटिवली सॉफ्ट लगा, मैं एक बार आप लोगों को दोनों कंपेयर करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के साइड सोल की तो यहाँ पे साइड सोल को आउटर से स्टिच कर रखा, एंड मुझे पीछे की ओर एयर कैप्सूल देखने को मिल जाता है जिसको मैं एक बार आप लोगों को प्रेस करके दिखा देता हूँ। एंड अगर मैं शूज को टर्न कर रहा हूँ तो मुझे सिमिलर बिल्ड देखने को मिलती है शूज के साइड सोल में। बात करता हूँ साइड सोल की हाइट की तो वो मुझे 1.4 इंच देखने को मिली है। बात करता हूँ लेस क्वालिटी की
तो मुझे यहाँ पे सिंपल एंड प्लेन लेसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं एक बार आप लोगों को इसके टिप पर जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के इनर सोल की। तो मुझे यहाँ पे कैंपस का ओरिजिनल इनर सोल देखने को मिल जाता है जो कि मेमोरी फॉर्म है। मैं एक बार आप लोगों को इसे निकाल के दिखा देता हूँ। तो गाइस इनर सोल मुझे यहाँ पे प्रेस करने पर काफी ज्यादा सॉफ्ट लगा एंड उसी के नीचे मुझे यहाँ पे एक सिंथेटिक की लेयर देखने को मिलती है फ्लैट सरफेस बनाने के लिए, जिसको मैं एक बार आप लोगों को टैप करके दिखा देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के वेट का, तो यहाँ पे एक शू का वेट हमें 450 ग्राम्स देखने को मिल जाता है एंड अगर मैं इन टोटल बात करता हूँ दोनों शू के वेट का, तो वो मुझे 900 ग्राम्स देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा ओवरवेट है अगर हम इस शू को कंपेयर करते हैं एक रनिंग शूज की तरह। तो गाइस अब हम बात करते हैं शू के फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट की, तो एक बार मैं आप लोग को ये शू फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मुझे पीछे के साइड सोल में कोई भी शू स्ट्रेच मार्क्स नहीं देखने को मिलता है एंड अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट की, तो यहाँ पे मुझे फ्रंट के साइड सोल में भी कोई भी शू स्ट्रेच मार्क्स देखने को नहीं मिलता है। बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ आउटर से, तो आउटर में मुझे काफी ज्यादा शू स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, बट ये काफी ज्यादा टेम्प्रेरी है। एंड बात करते हैं दूसरे वाले शूज की, तो इसको भी मैं एक बार आप लोगों को फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल से। तो यहाँ पे भी मुझे सेम स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिले शू के साइड सोल एंड आउटर में। तो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट की एंड अगर मैं बात करता हूँ शू के वॉकिंग टेस्ट की, तो मुझे यहाँ पे कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। वॉकिंग काफी ज्यादा स्मूथ रहा है इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबिलिटी एंड ऑल्सो वॉकिंग के टाइम इनर सोल का फॉर्म भी प्रेस होता है, जो कि अल्टीमेटली कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के रनिंग टेस्ट की, तो ये शू मुझे ज़्यादा कंपैटिबल नहीं लगे रनिंग के लिए, क्योंकि एट फर्स्ट ये शू काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट है एंड सेकेंडली इस शू में मुझे प्रॉपर ग्रिपिंग देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण ओवरऑल रनिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के फिटिंग की, तो ये शू एग्जैक्टली फिट था मेरे साइज से, मुझे यहाँ पे कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के जंप टेस्ट की, तो आप लोग देख सकते हैं अगर मैं शू में जंप ले रहा हूँ, तो शूज काफी ज्यादा स्टेबल है एंड मुझे शू के आउटर में थोड़े बहुत शूज स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिल जाते हैं जंप के टाइम, बट ये काफी ज्यादा टेम्प्रेरी एंड ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है हमें शू में। तो गाइस एट द एंड हम बात कर लेते शू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट की, तो ये शूज पड़े थे मुझे कुछ 1700 रुपीस के, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से शू को परचेस कर सकते हैं। एंड सेकंडली अगर हम बात करते हैं शू के वर्डिक्ट की, तो ये शू मुझे काफी वर्थ लगा इसकी प्राइस रेंज में एंड पर्सनली मुझे इसका आउटर मटेरियल काफी अच्छा लगा, जो कि एक प्रीमियम लुक दे देता है पहनने पर। एंड एक और फीचर जो मुझे शू का अच्छा लगा है वो है ड्यूरेबिलिटी। ये शूज काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, आप इस शू को एज अ कैजुअल शू परचेस कर सकते हैं, बट रनिंग के लिए मैं आप लोगों को ये शू ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इस शू से रिलेटेड। मिलते हैं आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।